नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस चीन से निकला, सैकड़ों देशों में दस्तक दी। सिर्फ दस्तक ही नहीं बल्कि देश के लिए अकाल बन गया और भारत देश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा देखते ही देखते 5,800 के पार हो गई। मरने वालों की संख्या 170 के पार यानी करीब पहुंचा है। लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि सरकार ने जो लॉकडाउन किया देश को 21 दिनों के लिए, अब मात्र 3 से 4 दिन बचे हैं, क्या और आगे बढ़ाने वाली है सरकार? सरकार ने जो लॉकडाउन किया है देश में 21 दिनों के लिए, अब मात्र 3 से 4 दिन बचे हैं, क्या और आगे बढ़ाने वाली है सरकार? अगर बढ़ाती है तो इस देश की जनता का क्या हाल होगा? कैसे कैसे दिन निकाल रहे हैं इस लॉकडाउन के बीच। लोगों के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और आगे भी सिलसिला जारी है। सरकार के इस कदम का यानी लॉकडाउन का इस देश की जनता पालन किया है, आगे भी पालन करेंगे, क्योंकि इस कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए सरकार के पास कोई और ठोस रास्ता नहीं है, ठोस कदम नहीं है। लेकिन इस देश के गरीब जनता का गुजारा कैसे होगा, सरकार को पहले सोचना चाहिए। बहरहाल जैसे तैसे लोग एक एक दिन गिन गिन कर 14 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं। अब 3 दिन बचे हैं, लेकिन उसके पहले हलचल मच गई है। क्या 15 तारीख से भारत देश में ट्रेनें दौड़ेंगी, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, या फिर क्या है इसकी सच्चाई? एक बार फिर से 14 के बाद देश लॉकडाउन में जाएगा, ये लोगों में चर्चाएं हैं। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर कल से ही खबरें तरह तरह के फैल रहे हैं कि 15 अप्रैल से ट्रेनें दौड़ेगी पटरियों पर, तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार ट्रेनों को लेकर अभी कोई विचार नहीं किया है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और ना ही निर्णय लिया है और ना ही लॉकडाउन को लेकर कोई विचार की है। लेकिन उम्मीदें लग रही हैं, जिस तरह से कोरोना का कहर देश में बढ़ता जा रहा है, तेजी देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकारें इस पर विचार जरूर कर रही हैं। और ट्रेन दौड़ने की अगर बात करें तो रेल मंत्रालय की तरफ से साफ साफ इनकार किया है, ऐसी कोई हमारे तरफ से आदेश या सूचनाएं जारी नहीं किया है। हम आपको ये लेटर दिखा रहे हैं, आप देखें, ये रेलवे की तरफ से लेटर है, प्रेस नोट जारी किया गया है। आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहों से बचें। और जो है इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।